खबर गाजियाबाद से है। 4 साल की बच्ची का एक शव बरामद हुआ है और बच्ची के शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। दरअसल कल शाम से ही ये बच्ची लापता थी, अब शव बरामद हुआ है और शरीर पर चोट के निशान हैं। परिजनों ने हालांकि इस मामले में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। टीला मोड़ थाना इलाके में ही इस बच्ची का शव बरामद हुआ है जो कि शाम से गायब थी। परिजनों ने इसको ध्यान में रखते हुए गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया, लेकिन अब ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि इस बच्ची के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। जब इसके शव को बरामद किया गया, उसको शिनाख्त किया जा रहा है और कल शाम से ये बच्ची लापता थी। इसके बाद परिजनों ने इसे गुमशुदगी के तौर पर देखते हुए पुलिस में इस बात की शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन टीला मोड़ थाना इलाके के पास बच्ची का शव अब बरामद किया गया है। कल 3 बजे एक लड़का था इसके साथ, छोटा ही भाई का बड़ा सगाई, उसकी छोटी लड़की, उसकी उम्र होगी 6-7 साल करीब और लड़की की 6 साल करीब होगी उसकी। तो ये तीनों जा रहे थे, डेली का रास्ता था, कोई आज परमानेंट नहीं जा रहे थे। इनकी दुकान है झुग्गियों में से, रास्ता निकलना घर को जा रहे थे। तो दो तो पहुँच गए, एक नहीं पहुँची। कुछ टाइम हमने देखा वहीं पर झुग्गी वगैरह में कि उसके पापा के रिश्तेदार भी मतलब कोई जान पहचान झुग्गी वाले थे, तो उन्होंने झुग्गी उग्गी में गए, पुलिस में भी गए थे, चलो बच्ची आ जाएगी होंगे बैठी होगी। उसके बाद आज सूचना मिली है। आज करीबन 11:30 बजे थाना टीला मोड़ क्षेत्र के पंचशील कॉलोनी में एक लगभग 4 वर्षीय बच्ची की पहचान उसके परिवारजनों द्वारा कर ली गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भेजा गया है और मौके पे FSL और डॉग स्क्वाड को बुला के कार्रवाई कराई जा रही है। घटना के निवारण के लिए 4 टीमों का गठन किया गया है, आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो बड़ी खबर ये, और इस मामले में पुलिस की तरफ से ये बयान सामने आया है और इस मामले में और भी आगे की जांच चल रही है, लेकिन जाहिर सी बात है कि परिवार का रोकर बुरा हाल होगा ही, क्योंकि अभी तक वो कम से कम इस उम्मीद में थे कि बच्ची आ जाएगी, घर बरामद कर लिया जाएगा, लेकिन गुमशुदगी की रिपोर्ट के बाद अब भी ये अपडेट सामने है कि इस बच्ची का शव बरामद हुआ है। करीब 4 साल की ये बच्ची बताई जा रही है जो गाजियाबाद से ताल्लुक़ रखती है और कल शाम से लापता थी, लेकिन पुलिस ने इसका शव बरामद किया है। टीला मोड़ थाना इलाके से इस बच्ची का शव बरामद किया गया है और पुलिस भी इस मामले में जांच आगे में जुटी हुई है कि आखिर ये इसके पीछे और क्या वजहें हो सकती हैं। जी मेरा संवाददाता पीयूष गौर से हम और अपडेट हासिल करेंगे। पीयूष, क्या और डिटेल्स? देखिए, कल शाम से बच्ची टीला मोड़ थाने का एक सारा मामला है। माता पिता बच्ची के है नहीं, पिता पहले एक्सपायर हो चुके हैं, माता का स्वास्थ्य जो मानसिक संतुलन है वो ठीक नहीं बताया जा रहा, तो पड़ोसियों द्वारा बच्ची का पालन पोषण किया जा रहा था। कल शाम से बच्ची लापता थी, जिसकी गुमशुदगी पास की तुलसी निकेतन चौकी में दर्ज कराई गई थी। पुलिस भी तलाश कर रही थी, पर आज संदिग्ध परिस्थितियों में बच्ची का शव पास के बड़ी झाड़ियों में मिला है। उसके बाद पुलिस ने 4 टीमों का गठन कर दिया और जो भी दोषी है, क्योंकि बच्ची की शरीर पर चोट के निशान मिले हैं, तो एक हत्या की बात सामने आ रही है, किसी ने पीट कर बच्ची की हत्या कर दी है, तो 4 टीमों का गठन पुलिस द्वारा किया गया और जो भी आरोपी है उसको पकड़ने की बात पुलिस द्वारा कही जा रही है। कुछ और अपडेट मिल पा रहे हैं कि जहां ये बच्ची थी उन लोगों के साथ किसी की कोई अनबन हुई हो या किसी तरह की कोई कोई एक्टिविटी ऐसी लोगों ने देखी हो जो बच्ची को लेकर के ठीक नहीं रही हो पहले एक आध हफ्ते में या और पहले? नहीं, देखिए, जिनके द्वारा पालन पोषण किया जा रहा था बच्ची का, मैंने आपको पहले भी बताया, पिता बच्ची के कुछ समय पहले एक्सपायर हो गए थे और माता का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था, दूर की रिश्तेदार उनकी माली हालत भी कमजोर थी, इसी वजह से बच्ची का पालन पोषण पड़ोसियों द्वारा किया जा रहा था। उन्होंने एक तरीके से बच्ची को गोद ले रखा था और उन्हीं के बच्चों के साथ एक कल घर वापस लौट रही थी, पर घर तक नहीं पहुंची। इसके बाद उन्होंने आसपास तलाश की और चौकी में शिकायत दी, पर बच्ची के शव आज चोट लगे निशान सहित संदिग्ध अवस्था में पड़ा हुआ मिला है। तो ऐसे में पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और 4 टीमों का गठन किया है। जी पीयूष गौर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। तो बड़ी बात है, पुलिस ने एक टीम का गठन भी किया है जो इस मामले में और तफ्तीश करेगी। ठीक है।